माँ की आंख, ये था क्या? गुरु मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जवान का ट्रेलर ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने सोचा था कि अच्छा होगा, मगर इतना अच्छा भाई बिल्कुल नहीं सोचा था मैं। जवान के ट्रेलर की क्वालिटी देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि इस मूवी में कितना दम होने वाला भाई। मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, लिख के ले लो। मैं भाई जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमको पता लगता है कि ये कहानी खून से लिखी गई है, क्योंकि जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो शाहरुख खान का जो फर्स्ट डायलॉग है भाई, मैं फैन हो गया। वो सिचुएशन बिल्कुल मैच हो रहा है भाई। मैं आपको पर्सनली एक बात बता दूं, जो भी इस ट्रेलर में नई नई लोकेशन दिखाई है भाई, मैं फैन हो गया उनका। मुझे वो लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो राइम हो गया, टैलेंट है तुम्हारे भाई के अंदर यार, कुछ भी बोल देता है। और इसका जो सिनेमैटिक कलर टोन है भाई, उसने चार चांद लगा दिए इसके ट्रेलर। मैं बता रहा हूँ, जो भी एडिटर है मेरी तरफ से उसको 10 रुपए ना बनते तो सो है, मगर मेरे पे है नहीं है। जवान मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, डिटेल में बात करते हैं। जवान मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल दिखाया है। जो फादर होते हैं वो इंडियन आर्मी में होते हैं और उनका नाम है विक्रम, और जो सन होता है उनका नाम है आजाद और वो इंडियन पुलिस में है। और विलन भाई, विजय सेतुपति के बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा जब भी कोई रोल करता है पूरी डेडिकेशन के साथ करता है। वो कहते नहीं है, एक आर्टिस्ट को भी पता है कि किस कैरेक्टर अंदर कैसी जान फूंकनी है। ये वही बंदा है, इसको पूरी पता है कैसे कैरेक्टर कैसे निभाना है और कैसे दिखाना है और कैसे करना है। एक्सपर्ट इंसान है यार, मजा ले कोई इनके काम के ऊपर सवाल उठा ले, भाई ये बंदा जो भी करता है गजब ही करता है। हाँ तो भाई, इस मूवी की कहानी क्या है? इसमें जो विलन दिखाया है उसका नाम है काली। वो इस दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट बिगेस्ट वेपन डीलर है। तो भाई उसकी नजर पड़ जाती है इंडिया में, और इंडिया में तुम्हें पता ही है इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है आर्म फोर्स में। तो वो चाहता है कि अपने खुद के वेपन इंडियन आर्मी में सप्लाई करूं। तो भाई इससे बड़ी मार्केट और उसे कहां मिलेगी? मगर ये सपना उसका पूरा नहीं हो पाता। मगर उसको अपने वेपन इंडियन आर्मी में सप्लाई करने से पहले विक्रम से डील करनी पड़ेगी, जो हमको होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई विक्रम ने साफ बोल दिया काली नो डील, देश के साथ गद्दारी नहीं करूं। यही तो सुनना था यार अपने को। फिर इस सिचुएशन के बाद तुम्हें पता ही है कि एक विलन करता क्या है। हाँ तो भाई यही करा है काली ने। काली ने अपने काले टोटके इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए विक्रम के ऊपर, जिसमें उनकी बीवी जो ऐसा दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है वो उनकी डेथ हो जाएगी, और जो उनका बेटा है आजाद वो बिछड़ जाएगा उनसे। और विक्रम की हालत तो हमको उसके खून से भरे हाथ से पता लग ही रहा है कि भाई की हालत क्या हो चुकी है। काली भैया को किसी न किसी तरीके से पता लग जाता है कि विक्रम अभी जिंदा है और वो किसी गांव में है, और काली भैया अपने बंदे उस गांव में भेज देते हैं विक्रम को मारने के लिए। मगर आपको विक्रम के बारे में तो पता है, विक्रम ने अपने नए लुक में आके उन बंदों की जो मारी है भाई, मैं बता रहा हूँ मैं फैन हो गया था उसका। इस सीन को देखने के लिए मैं बेकरार हूँ भाई, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया अलग सीन। फिर उसके बाद थोड़ा हमें टाइम जंप दिखाने वाले हैं, फिर उसके बाद विक्रम अपनी खुद की एक टीम बनाने वाले हैं जो काली के जुल्म के सताए हुए है या फिर काली की वजह से किसी अपने को खो के बैठे हैं। और गुरु वो लोग विक्रम को मिल भी गए, जो हमें इस ट्रेलर में देखने में पता लग रहा है। फिर विक्रम सभी लोगों के साथ एक टीम बनाते हैं जो काली के खिलाफ है भाई, क्योंकि काली ये वही काली है जो सबकी जिंदगी पे काले का आगे बैठा है। मगर गुरु मोज तो इस टाइम आजाद की चल रही है, अपने सीनियर से प्यार कर बैठा है, उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही गाना है, उसके साथ ही खाना है, ये होती है लाइफ भाई। मगर इतनी अच्छी भी लाइफ नहीं है, इतनी खुशी के बाद जो आजाद की जिंदगी में दुख आने वाला है भाई, इसे पता नहीं है बंदे को कि मेरे एल लगने वाले हैं, और वो हमें इस ट्रेलर में देखने में पता लग रहा है। बहुत ही पिटा है भाई, मगर कुछ भी कहो भाई, वो नर्वस होकर कॉफी खुद के ऊपर गिरा लेने वाला शॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। मगर जितना हम सोच रहे आजाद उतना बड़ा वाले भी आशिक नहीं है, क्योंकि ये पता कर रहा हूँ लड़की के बारे में जो उसको लेके जाएगी विक्रम तक। असल में इसको अभी तक ये पता ही नहीं है कि विक्रम है कौन, क्योंकि विक्रम इस टाइम कानून की नजर में एक टेररिस्ट हो चुका है। टेररिस्ट के साथ तुम्हें पता है हमारे देश में क्या होता है। हाँ तो वही हो रहा है इस बंदे के साथ, मगर दुनिया इसको एक अलग ही तरीके से प्यार कर रही है। दुनिया की नजरों में भाई एक सुपर हीरो है, जो अच्छे के लिए बहुत अच्छा और बुरों के लिए बहुत ज्यादा बुरा, एंटी हीरो है भाई। पंगा मत लेना वरना घर में घुस के मारे गुरु। ये तो हमको मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगा कि इन बाप बेटे का मिलन असल में होता कैसे है। मगर वो जो डायलॉग है ना भाई, मुझे अभी से पसंद आ चुका है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। भाई ये डायलॉग कुछ गदर वाली फीलिंग नहीं दे रहा, बेटा बाप से मिलना चाहता है, मतलब ये चल कह रहा है यार। बाप बेटे के जो डायलॉग आजकल मार्केट में बन रहे हैं ना, फैन हो गए इन दोनों। मैं बता रहा हूँ भाई, वही मजा फिर से आने वाला है, बाप बेटे की केमिस्ट्री गजब होने वाली, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे शॉट भी दिखाए हैं जो देख के मैं इतना इंप्रेस हो गया बॉलीवुड वालों से, तुम कब से इतना अच्छा काम करने लगे यार, सोच से परे मेरी। तो भाई काली ने तो विक्रम की पूरी फैमिली तबाह कर दी थी, तो भाई अब विक्रम की बारी है। विक्रम भी पूरे बदले ले रहा है भाई, विक्रम काली के लड़के को मार चुका है, और ये हमको ये सीन देखने में पता लग रहा है कि भाई इस टाइम काली तूफान मचाने वाला है। ये वो आने वाला तूफान है जो अभी शांत होकर बैठा है, मगर विक्रम कहां रुकने वाला है भाई। पहले बेटे को मारा, अब उसकी टीम में से किसी और को मार दिया, जो हमको इसका फिनल देख के पता लग रहा है कि भाई वो रुकने वाला नहीं है, बंदा सबको मारेगा, लाइन से मारेगा। और भाई इस मूवी का मेरा ना सबसे बेस्ट सीन ये दोनों लगे, एक विक्रम का ये राउडी लुक और भाई ये काली का ब्लडी डैडी लुक। मैं बता रहा हूं इन दोनों को लड़ता हुआ मुझे स्क्रीन पर देखना है एक बार। तो भाई चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, बाकी जो भी तुम्हारे इस वीडियो को लेकर सवाल हो कमेंट करके बता देना, और कुछ अगर इस वीडियो में छूट गया हो तो कमेंट करके बता देना, तुम्हारा मैं बना देगा वीडियो। और गुरु मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, अगर तुम मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तुम जरूर करके जाना यार। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी आ गई ना, ये देख लेना यार। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट जो करना है कर दो, फैला दो बस। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।